हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.8 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम 6.8 है, बोल रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, देखिए कोई एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, यहाँ पास में बनाया एबीसी राइट ट्रायंगल, यहाँ पास राइट एंगल कहा पास है, बी के पास है, ठीक है ना, यानी एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक, अब हमको प्रूव ये करना है कि इसमें, यहां पास मैं टू प्रूव लिख लेता हूं, उसके बाद लिखता हूं टू प्रूव। हमको प्रूव ये करना है कि कोई एक, सबसे पहले तो आपको दिया रहेगा कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं पास आपका 90 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे आपको ये प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपको क्या है, बेस है, ठीक है ना, ठीक, राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो कोई बेस होगा, कोई आपको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट, ठीक है ना, इसको हाइट ही डाल देता हूं, या फिर परपेंडिकुलर जो भी आप कहना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, और हाइट, ठीक, और ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक। तो इसे ये बोल रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है ना, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, यानी द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जब करेंगे, यानी इसी का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो वो इक्वल होगा, ठीक है ना, ये जो अदर दो साइड है ना, इसके स्क्वायर के सम से, मतलब इन दोनों साइड का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, जैसे एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एबी है, ये पूरा का पूरा बीसी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो इक्वल होगा ये जो बाकी के जो दो साइड के स्क्वायर है, ठीक है ना, उसके सम से, ठीक है ना, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है ना, मतलब एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है ना, जब करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये चीज हमको प्रूफ कर रहा है, ठीक है ना, और इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो थ्योरम 6.9 है वो हमारा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये है मेन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो असली में यहाँ पास मैं प्रूफ कर दिखाऊंगा कि होता कैसे है, ठीक है ना, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है ना, तो करते हैं। उससे पहले कुछ गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन में हमको दिया है कि जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है ना, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है और बड़ा कहां पास है, एंगल बी के पास, ठीक है ना, बस इतना ही लिखता हूं मैं, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना, कि ए बी सी ट्रायंगल जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी जो है 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, मैं इतना ही लिखता हूं। आगे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर, ठीक है ना, उससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बीडी पर पर्टिकुलर टू एसी, अब एक बी डी परपेंडिकुलर डाल रहा है इस एसी पर, ठीक है, यानी इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है ना, 90, प्रूफ। अब देखिए इसको प्रूफ करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको थ्योरम 6.7 आना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरम 6.7 का जो यूज है वो इसमें होगा ही होगा, ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है, अगर इसके बाद आपको समझना है तो पहले आप थ्योरम 6.7 को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पढ़े हैं तो आप चलते रहने दीजिए वीडियो को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े थ्योरम 6.7, अगर आप सोचे एक डायरेक्ट मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम को ही सॉल्व कर लेता हूं उसके बाद उसको करूंगा, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पास मैं थ्योरम 6.7 का जो यूज है, यूज करके जो हमने प्रूफ किया है उसको अभी आप आज लिए, ठीक है ना। देखिए
थ्योरम 6.7 ये कहता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल बी से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए इस एसी पर, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, यानी ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, वो सिमिलर होगा किससे, इस पूरे ट्रायंगल से, यही ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक, और ये वाला जो ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होगा किससे, इस पूरे ट्रायंगल एबीसी से, यानी बी डी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है ना, ए बी सी से, ठीक, और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो भी आपस में सिमिलर होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है वो भी सिमिलर होंगे, तो हमको बस इतना ही यूज करना है, ठीक है ना, मतलब हमको इतना ही चाहिए, ठीक है ना, सॉल्यूशन में तो हम इतना ही लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है ना, हमको इतना ही चाहिए, और ये आया कहां से, बाय थ्योरम 6.7, ठीक है ना, ये थ्योरम 6.7 से आया है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी से, यानी एंगल 90 डिग्री, जहां पर 90 डिग्री बढ़ रहा है, वहां से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए एसी पर, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस पर, तो जो दो ट्रायंगल बड़े हैं परपेंडिकुलर के इधर और उधर, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे एबीसी ट्रायंगल से, और वो जो दोनों ट्रायंगल छोटे छोटे हैं वो भी आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है ना, ये थ्योरम 6.7 से है, ठीक है, तो हमको इतना ही यूज भी लेना है, इसलिए हम इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको उठाते हैं, टेकिंग ट्रायंगल ए बी ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हम पहले इसको ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले सिमिलर वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे, ठीक। अब यहां बात देखिए, जो ए डी बी है वो ए बी सी ट्रायंगल के साथ क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब हम ये पूरे चैप्टर में ये चीज पढ़ते आ रहे हैं ना, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लग रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो साइड्स का रेशियो है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे इस पूरे ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना। अब देखिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल है तो इसमें ये आपका इतना बेस होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस और बेस का सबसे पहले रेशियो बढ़ाएगा, ठीक है ना, यानी एडी अपॉन में एबी, एडी अपॉन में एबी, उसके बाद हम बीडी, उसके बाद परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का बढ़ाएंगे, ठीक है ना, बीडी या फिर डीबी, डीबी अपॉन में बीसी, ठीक, उसके बाद हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को बढ़ाएंगे, यानी एबी अपॉन में एसी, ठीक है, बड़े वाले का हाइपोटेनस एसी है और छोटे वाले का हाइपोटेनस एबी है, ठीक है। ये कैसे आया, करस्पोंडिंग साइड्स जो होते हैं, करस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पर बकायदे लिखिएगा रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इन अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, हमको क्या लाना है, एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पास एक चीज मैं देख रहा हूं, अगर मैं कैसे भी करके इन दोनों को ले लू और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी स्क्वायर तो मिल जाएगा, ठीक है ना, तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है ना, अभी इसको ले रहा है ना, एडी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, हमको सॉल्यूशन से मतलब जो चीज मिला है उससे उतना ही चीज लेना है जितना आपको आवश्यकता है, ठीक है ना, ये चीज तो मिल गया आपको, ठीक है ना, किससे, इसका जो प्रॉपर्टी है उससे, ठीक है। अब इतने में से जो चीज यूज हो रहा है उसको लीजिए, ठीक है ना, जो चीज आपके उपयोग में आ रहा है, जैसे सॉल्यूशन में एबी का स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन में एबी स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसमें एबी स्क्वायर ढूंढिए कैसे मिलेगा, तो डायरेक्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, तो ए बी स्क्वायर मिल जाएगा, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, एडी इंटू ए सी हो जाएगा, और इधर ए बी इंटू ए बी ए बी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, ठीक, हुआ कि नहीं हुआ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आया, ठीक। अब इसको एक बार लेते हैं, ठीक,
इसको लेते हैं ना, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल बी डी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो सिमिलर है मतलब ये जो बी डी सी वाला है, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर, ठीक है। इसका भी जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ बी डी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में बी सी, बी सी अपॉन में ए सी, ठीक, हमने लिख दिया। ये करस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। आप मैच करते रहिएगा, जैसे आपने यहाँ पास बेस बनाया इसको, ठीक है। अब इसमें क्या बेस बनेगा आपका, ठीक है ना, इसमें आपका बेस बनेगा बी डी, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें आपका बी डी बेस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बी डी बेस हो गया, और तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, बी सी आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से आपको क्या चीज मिल रहा है देख रहा हूं कि, एक मिनट, हाँ सही है, इसमें हमको एक चीज मिल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ले लू, इन दोनों को, तो बीसी का स्क्वायर मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको बीसी का जो होल स्क्वायर है वो चाहिए चाहिए, तो मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है ना। यहां पास इस चीज को मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, या फिर इसको मिटा ही देता हूं, बात वही है, ठीक है ना। फालतू में मैं इसको लिख दिया हूं, जितना आपको जरूरत है उतना शुरू से ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका आ गया, रिजल्ट लिख दीजिएगा, रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इन अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा डीसी इनटू एसी, या फिर सीए भी लिख सकते हैं, डीसी इनटू एसी, बात वही है, सी ए लिखिए या फिर ए सी लिखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो ना, बी सी में बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन टू ले लीजिए, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दीजिए, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा एलएचएस एलएचएस आरएचएस आरएचएस साइड ऐड कीजिए, ठीक है, एडी टू एसी प्लस, ये अलग चीज है, बीसी टू एसी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों तो हमको चाहिए ही चाहिए एलएचएस में, अरे आर एच एस में, तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, यहाँ पास कैसे भी करके एसी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो एसी कॉमन लीजिए, यहाँ पास हो जाएगा एसी इक्वल, कॉमन ले लिए तो बचेगा एडी प्लस डीसी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक। एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी एसी आएगा, ठीक है ना, एड कर लीजिएगा, इतना एडी है और इतना डीसी है, एड करेंगे तो एसी आएगा इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये चीज आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था, हमने प्रूफ कर दिया बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब जो थ्योरम 6.9 हो, 9 होगा, ठीक है ना, वो इसका कन्वर्स होगा, ठीक है ना, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका मेन पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। और जो एक्सरसाइज 6.5 होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा ही होगा, ठीक है ना, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एकेएफपी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।